हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्रवेश में आपका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ का फोर्थ लेक्चर, जो कि कंप्यूटर फंडामेंटल को हम पढ़ेंगे। और यहाँ पर सेशन टेन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने सेशन नाइन और इसके जो भी पिछले वीडियोज़ हैं उन सबको हमने पढ़ चुका है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके आप प्लेलिस्ट से सारा का सारा वीडियो आप देख सकते हैं। सीबीएसई पैटर्न के द्वारा यहाँ पे सारे के सारे कंप्यूटर कोर्स को आपके यहाँ पे कंप्लीट कराया जा रहा है। और हम आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइंस, ओ वेब सॉरी डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मीडिया डिवाइसेस। तो यहाँ पे होता क्या है, हम देखते हैं पहले, सबसे पहले कि मीडिया डिवाइसेस होता क्या है। तो डिवाइस का मतलब आपको पहले हमने पढ़ाया था कि जो भी डिवाइस होती है, हमने आपको इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया था। अब यहाँ पर क्या है, हमें मीडिया डिवाइस के बारे में जानना है। तो मीडिया मतलब क्या होता है, हम जानते हैं मीडिया मतलब ये होता है सिंपल सा, जहाँ पर आपको ऑडियो वीडियो और वॉइस का सबका कम्युनिकेशन पूरा का कंबाइनेशन मिल जाए, कंबाइन हुआ, वही सारा का सारा आपका मीडिया कहलाता है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि टेलीफोन कैमराज वीडियो रिकॉर्डर्स मीडिया प्लेयर्स एंड इंटरनेट डिवाइसेस बींग मर्ज्ड इनटू सिंगल पोर्टेबल डिवाइस। मतलब ये सब जो होते हैं आपके, जहाँ पे कैमरा हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, है ना, ये सारी चीज़ें आपकी मीडिया डिवाइसेस में आएंगे। तो यहाँ पर आपका जो पहला आपका डिवाइस नेम है, यहाँ पर दिया गया है ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर का मतलब सिंपल सा इतना है, जब भी अगर आपको बात की जाए ऑडियो की, तो ऑडियो जो होता है आपका, हमेशा वो दिखते होंगे आप लोग, MP3 प्लेयर में होता है। और जब भी वीडियो की बात की जाती है तो वो DVD प्लेयर में होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ऑडियो होगा और वीडियो होगा, वो आपका जो भी प्लेयर होगा, वो एक ना कोई डिवाइस होती होगी, या फिर कोई ना कोई आपके पास ऐसा सॉफ्टवेयर होता होगा जिससे आप उन सबको सुन पाते हैं और देख पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे जो आपकी डिवाइस का नाम है वो है ऑडियो एंड वीडियो। ऐसे आपका नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है, ये है मोबाइल फ़ोन्स। तो मोबाइल फ़ोन्स में क्या होता है, ये भी आपका एक डिवाइस है। यहाँ पर आप ऑडियो वीडियो सारी के सारे सुविधाएँ आप यहाँ पर ले लेते हो, चाहे कैमरा का हो, चाहे सॉन्ग्स का हो, चाहे इंटरनेट का हो। तो ये भी आपका क्या होगा, मीडिया डिवाइस होगा। इसके बाद देखा जाए तो वीडियो गेम्स सिस्टम होते हैं। तो ये वीडियो गेम सिस्टम क्या होता है, ये तो आप जानते ही होंगे कि आज देख रहे हैं हम लोग बहुत सारे गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो पहले क्या होता था, हमारे पास एक DVD का CD आता था और एक हमारे पास जेस्टिक होता था, उसके थ्रू हम गेम्स वगैरह को सीखते थे और प्ले करते थे, चलाते थे, जो कि बहुत ही अच्छा लगता था। तो इसमें क्या होता था, देखिए आप ऑडियो तो चलता ही था, जैसे कि कोई भी गेम चलता है तो उसमें म्यूज़िक बहुत ही अहम होता है। तो यहाँ पे म्यूज़िक और वीडियो दोनों चीज़ मिलती है आपको, तो इसलिए आपका वीडियो गेम जो है, ये भी आपका क्या होगा, मीडिया डिवाइस होगा। नेक्स्ट आपका मिलता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PDA। ये क्या होता है, PDA आप कह सकते हैं इसे, जैसे कि छोटा सा लैपटॉप हमारे पास हो और उसमें सारे कंप्यूटर के सारे फीचर्स हों, या फिर आप कह सकते हो टैबलेट, जो कि छोटा सा फ़ोन के बराबर होता है, वो आपका लैपटॉप का पूरा वर्क करता है। तो PDA उसी तरीके से होता है, जो कि यहाँ पे सारा का सारा कंप्यूटर का जो भी सिस्टम होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, चाहे आप फ़ोन से हो, चाहे मोबाइल का हो, चाहे कैलकुलेटर का हो, चाहे गेम्स का हो, चाहे मैसेज का हो, सारे सुविधाएं यहाँ पर आपको इंटरनेट से जुड़ी और वैसे भी सब कुछ आपको PDA दिखाता है। इसके बाद है डिजिटल कैमरास। डिजिटल कैमरास तो आप लोग जान ही रहे हैं क्या होते हैं। डिजिटल कैमरास का मतलब होता है एक डिजिटल कैमरा स्टोर इमेज डिजिटली ऑन मेमोरी डिवाइस। तो आपको पता है कि जो भी आपके पास फ़ोन में कैमरा होते हैं, या फिर वैसे भी जो भी कैमरा होता है, वो सारे के सारे कैमरा आपके डिजिटल होते हैं, और इनके जो भी इमेज होती हैं वो सब स्टोर कहाँ होते हैं, मेमोरी कार्ड में स्टोर होते हैं। वैसे आपके पास है नेक्स्ट डिजिटल वीडियो कैमराज, ये भी आपके पास वीडियो रिकॉर्डर होता है जो आपका कैमरे की भांति होता है ये भी। और हम यहाँ से क्या करते हैं, कैमरे तो हमारे फ़ोटो क्लिक करते हैं और यहाँ से हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, अब जिसे हम और एक नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं वेब कैम। वेब कैम भी एक डिजिटल वीडियो कैमरा है और ये कैप्चर करता है इमेज को और वीडियोज़ को भी। तो सेशन टेन में इतना ही है। और आपको मैं एक बात याद दिला दूँ, यहाँ पर हम वही चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंस है, उन सब चीज़ों को हम छोड़ दे रहे हैं जो जिनका कोई मतलब नहीं है। आपको जो भी यहाँ पे दिया जा रहा है वो आपको एकदम
बेहतर दिया जा रहा है, और यहाँ पर जो भी आप पढ़ोगे वो एग्ज़ाम से और हर जगह कहीं भी कंपटीशन एग्ज़ाम से, कहीं भी आप किसी भी लेवल के एग्ज़ाम्स पे भी बैठेंगे, अगर आपके सिलेबस में फंडामेंटल्स में है तो वो चीज़ आपको यहाँ से मिलने वाला है। तो अब हम पढ़ने चल रहे हैं सेशन 11। यहाँ पर क्या है पढ़ने के लिए, आपको यहाँ पे पढ़ना है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो आप जानते हैं सिक्योरिटी और प्राइवेसी होती क्या है, तो सिक्योरिटी का मतलब तो आपको पता ही है कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे पर्सनल यूज़ के लिए हो चाहे वैसे हो मल्टीपल हो, लेकिन उसमें एक ना एक सिक्योरिटी होता है, कोई ना कोई उसमें पासवर्ड, कोई ना कोई प्राइवेसी लगी होती है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे एक बहुत अहम टॉपिक आपके सामने है, कंप्यूटर सिक्योरिटी और कंप्यूटर प्राइवेसी। तो इन दोनों के बारे में हम थोड़ा सा डिफरेंट जानते हैं कि किस में क्या डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी का मतलब होता है कंप्यूटर में जो भी सिक्योरिटी होगी आपके सिवा उसको कोई ओपन नहीं कर सकता, आप चाहे उसमें का हार्डवेयर डैमेज हो चाहे कुछ भी हो, आप ही उसको यूज़ कर सकते हैं, आप ही उसको चला सकते हैं, आपका कंप्यूटर पूरा का पूरा ओपन वही कर सकता है जो आपके कंप्यूटर का सिक्योरिटी जानता हो। हम बात करते हैं कंप्यूटर प्राइवेसी की, तो कंप्यूटर प्राइवेसी में सिर्फ इतना होता है कि आपका कंप्यूटर कोई भी चला सकता है, कोई भी कुछ कर सकता है, लेकिन कुछ फाइल्स इसमें ऐसे होते हैं जैसे कि आपके डेटाज होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए ईमेल आपने कुछ रखे हैं, आपके पास फ़ोन में ईमेल है या कंप्यूटर में ईमेल है, तो आपका ईमेल में अगर आपने प्राइवेसी सिक्योरिटी आपने सेट किया है तो वो चीज़ें सिर्फ आप ही देख सकते हैं और कोई नहीं देख सकता। वैसे ही आपके ईमेल मैसेज हो गए, कंपनी के कोई भी काम हो गए, है ना, ऑफिशियल वर्क हो गए, सबके सब कुछ भी है, तो वो सब चीज़ें आपकी प्राइवेसी है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने प्राइवेसी में लगा दिया है तो वो आप ही देख सकते हो, और सिक्योरिटी में क्या होता है वो आपका सिस्टम ही नहीं ऑपरेट कर पाएगा, यहाँ पे ऑपरेट कर सकता है लेकिन जिसमें आपने प्राइवेसी सेट किया है वो प्राइवेसी आपको नहीं देख पाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इसके बाद हम जो पढ़ रहे हैं मेजर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर फ्रॉम नेचर थ्रेट्स, इसका मतलब क्या होगा, जो भी आप प्रोटेक्शन करेंगे उस पर कैसे क्या होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले आपका है बैकअप डाटा। बैकअप डाटा का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपका डाटा बहुत ज़्यादा है और आपको उसको सिक्योर्ड भी रखना है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आप उस डाटा को मल्टीपल डिवाइस मतलब किसी दूसरे डिवाइस में आप उसको कॉपी करके रखे रहें, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उसको हम बैकअप ले सकते हैं। इसके बाद होता है इंस्टॉल कंप्यूटर्स इन सिक्योर लोकेशन, इसका मतलब होता है जो भी आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो उसको अच्छे लोकेशन पे मतलब कि जहाँ पे आप सिक्योरिटी दिए हो उस लोकेशन पे आप उसको इंस्टॉल करें, जैसे कि अधिकतर हमने देखा है लोकल डिस्क सी में सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स हमारे इंस्टॉल होते हैं, और वैसे ही आप उसमें इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जहाँ पे वो सिक्योर्ड होता है। इसके बाद आपको मिलता है इंस्टॉल प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ये क्या होता है, इसका मतलब सिर्फ ये होता है कि जैसे कि आपने कोई भी डिवाइस को तो कनेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे आपको मान लीजिए यूपीएस आपके पास नहीं है, यूपीएस क्या होता है अनक्रिप्टेड पावर सप्लाई, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जैसे कि पावर सप्लाई जैसे आप के यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है और अचानक चली जाती है, तो आपके पास यूपीएस जो होता है वो 5 मिनट से 10 मिनट तक आपको जो है बैटरी उसमें होती है वो आपके पावर को रोक के रखता है स्टोर करके, जिससे कि आपका सिस्टम में कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा हो या फिर सिस्टम में कुछ भी काम हो रहा हो तो उसको क्रैश होने से बचा सके और आप उसको आसानी से क्लोज करके और सिस्टम को हम बंद कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर सिलेबस के लास्ट में फंडामेंटल में होता है, और इसकी आप नोट्स जरूर बना लें, वीडियो को पॉज करके इसको रोक लीजिएगा, वन लाइनर्स में आपको सारी के सारे डिफाइंस किए गए हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एप्लीकेशंस की, तो एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो एप्लीकेशन आल्सो कॉल्ड प्रोग्राम, एप्लीकेशंस आल्सो प्रोग्राम कॉल्ड प्रोग्राम यूज़ द प्लेटफॉर्म टू परफॉर्म टास्क। ठीक है, इसका मतलब होता है जो भी एप्लीकेशन होते हैं वो सारे के सारे प्रोग्राम होते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं बिट की, तो बिट होता है ए बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर हैंडल, ए सिंगल बिट कैन होल्ड ओनली वन ऑफ टू वैल्यूज 0 एंड 1। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो बिट होता है वो 0 और 1 में होता है। हम कहेंगे बाइट क्या होता है, तो ए बाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 8 बिट अरेंज इन सिक्वेंस, इसमें क्या होता है जो बाइट होता है उसमें 8 बिट होते हैं, 8 बिट इक्वल 1 बाइट होता है। यहाँ पर हम करेंगे
कैमकॉर्डर। कैमकॉर्डर क्या होता है? कैमकॉर्डर का मतलब यहाँ पे सिंपल सा ये होता है कि डिजिटल वीडियो यूज टू रिकॉर्ड वीडियो। जो भी कैमकॉर्डर होगा वो आपका रिकॉर्ड करेगा वीडियो को। वीडियो रिकॉर्ड कैसे होता है? हमारा वेब कैम होता है, वायरलेस डिवाइसेस बहुत सारे हमारे पास हैं, उन्हीं से होता है। नेक्स्ट आपका होता है कंपैक्ट डिस्क। कंपैक्ट डिस्क क्या होता है? ये होता है स्टोरेज डिवाइस यूज टू स्टोर डाटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट। इसके बाद होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम सीपीयू कहते हैं। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द मेमोरी हार्डवेयर डिवाइस दैट इंटरप्रेटर्स एंड रन्स द कमांड्स यू गिव टू द कंप्यूटर। इसका आप बढ़िया से वो ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और लिख लीजिएगा। इसके बाद ये कमांड्स के बारे में लिख लीजिएगा, कम्युनिकेशन चैनल के बारे में, सीपीयू स्पीड के बारे में, अब यहाँ पे डाटा के बारे में, इनको हमने एक्सप्लेन किया, एक बार आप पढ़ लीजिएगा बस। यहाँ से हम डेस्कटॉप के बारे में और डेस्कटॉप कंप्यूटर्स के बारे में, डिजिटल कंप्यूटर्स, डीवीडी फोल्डर्स, गीगाबाइट्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ये मैंने बताया था, करेक्टर यूज़र फेस सब बताया मैंने, एक बार इसको आप लिख लीजिएगा बस। यहाँ पे आइकॉन, इनपुट डिवाइस, इंटरनेट, किलोबाइट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, लोकल एरिया नेटवर्क, मेगाबाइट, मीनूज, मोबाइल फ़ोन, MPEG, नेटवर्क, नेटवर्क ड्राइव्स, ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लेटफॉर्म, पर्सनल डिजिटल PDA, जिसे अभी पढ़े हमने, PC ही अभी पढ़ के आया, पिक्सल्स, प्रेजेंटेशन फॉर्म, प्रोग्राम्स, प्रोसेसिंग डिवाइस। तो गाइस बस हमें यहाँ पर कंप्यूटर फंडामेंटल में इतना ही पढ़ना था, और हमारा ये फंडामेंटल कंप्यूटर का समाप्त होता हुआ। और इसके बाद हम जो पढ़ने वाले हैं, हमारा वो होगा यूनिट 3, और वहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं टाइपिंग मास्टर। टाइप मास्टर जो कि हम पढ़ चुके हैं, वो जानेंगे, जिसके बारे में मास्टरिंग टाइपिंग होता है, और इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हमें टाइपिंग किया जाता है, कैसे हमें सीखना है। तो गाइज हमारे वीडियो पे लगातार बने रहें, और नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्द होगा, और आप कैसे पढ़ रहे हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं, कैसे लग रहा है पढ़ने में, कैसे आपको फील हो रहा है। थैंक यू।